बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर एंजल्स आई होप यू आर फाइन एट होम एंड डूइंग वेल डियर गुड्स टुडे वी हैव टू बी स्टार्ट आवर न्यू सिलेबस ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन एंड आवर न्यू टॉपिक इज द हाउस इज शेकिंग ओके आई होप ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक पेज नंबर 97 फाइन बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन वी हैव टू सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच आई विल बी टेक आउट फ्रॉम योर लेसन पहला वर्ड हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा स्नोरिंग स्नोरिंग क्या होता है बच्चा खराटे देना ठीक है ग्रांटिंग साउंड वाइल्ड स्लीपिंग खराटे आप लोग क्या करते हैं जब सो रहे होते हैं कभी तो कोई समय पर नहीं तो हमें जो साउंड क्रिएट होता है नोज से तो उसे हम लोग स्नोरिंग कहते हैं खराटे देने को कहते हैं सेकेंड वर्ड इज अवेक अवेक क्या होता है जागना जब आप उठ जाते हैं फाइन वेक फ्रॉम स्लीप बेदरी मतलब आप कुछ सो रहे हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको उठना पड़ जाता है दैट इज नोन एज अवेक थर्ड वन इज बैंग बैंग जो होता है बजाना आ सडन साउंड धमाका कुछ ऐसा अचानक से कुछ आपको आवाज आती है दैट इज नोन एज बैंग थर्ड वन फोर्थ वन इज ट्राइंग ट्राइंग होती है सुन ठीक है जो एलिफेंट की सुन होती है उसे आप लोग ट्राइंग कहते हैं एनिमल्स बॉडी पार्ट फ्रॉम द लिप्स एंड हैंड कुछ भी बॉडी पार्ट होता है That is known as trunk, trunk word. The fifth one is shaking. Shaking होता है हिलना ठीक है ऐसे में shake करना हम किसी को shake करते हैं ना वो हिल जाता है Move भी होता है हिलना तो लजाते हुए तो ऐसे shake करते हुए ठीक है ना आप स्क्रैच आप किसी को शेक भी करते हो हिलाते हो ना अगर बॉटल कुछ है कुछ भी है या मैं इसको ऐसे करके जर्क आउट करती हूँ शेक करती हूँ स्क्रैच होता है नाखून मारना ठीक है स्क्रैचिंग करना रगड़ना स्ट्राइक आउट और खरोचाना ठीक है ऐसे स्क्रैच करते हैं हम लोग ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो हमारे लेसन में आने थे अगर आपको मुझसे प्रभाव लगता है यू हैव टू बी सेंड मी योर वर्ड्स आई गिव यू आंसर फाइन लेट्स स्टार्ट विद दिस व्हाई वाज द हाउस शेकिंग लेट्स फाइंड आउट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो घर था वो क्यों शेक कर रहा था घर क्यों हिल रहा था है ना हमारे माइंड में भी अब आ जाता है कि एक घर कैसे शेक कर सकता है घर कैसे हिल सकता है इट इज नाइट द शार्प फैमिली इज स्लीपिंग इन अ लॉज हट नियर अ फॉरेस्ट एक रात की बात होती है जो शार्प फैमिली है वो सो रही होती है एक लॉज में लॉज कहता है छोटा सा घर ठीक है मतलब कि कॉटेज टाइप बोल सकते हैं तो नियर अ फॉरेस्ट वहाँ पे सो रहे होते हैं कुटिया टाइप ऐसे करके बोलते हैं जो बम्बूज का बना होता है फॉरेस्ट के नियर वैसा घर होता है मिस्टर शाह इज स्नोरिंग लाउडली जो मिस्टर शाह होते हैं वो बहुत जोर से स्नोरिंग कर रहे होते हैं ठीक है खराटे ले रहे होते हैं ही स्टार्ट अ मोना वेक अप उनकी जो बेटी होती है मोना वो उठ जाती है मोना व्हाट इज हैपनिंग ये क्या हो रहा है फादर इज स्नोरिंग एंड द हाउस इज शेकिंग पापा जो है वो स्नोरिंग कर रहे हैं और पूरा घर जो है वो हिल रहा है वेक अप दिस हाउस इज शेकिंग उठो उठो घर पूरा शेक कर रहा है हिल रहा है नाउ मिस्टर एंड मिसेस शाह आर अवेक मिस्टर शाह और मिसेस शाह क्या होते हैं उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो दोनों उठ जाते हैं द हाउस इज स्टिल शेकिंग घर तब भी शेक कर रहा है हिल रहा है अ पिक्चर फेल फ्रॉम द वॉल एक जो पिक्चर होती है वो दीवार से नीचे गिर जाती है मोना रन्स टू द विंडो मोना क्या करती है खिड़की के पास दौड़ के आती है ओह कम एंड सी आओ और देखो मिस्टर एंड मिसेस शाह लुक आउट ऑफ द विंडो मिस्टर और मिसेस शाह क्या करते हैं विंडो से बाहर देखते हैं मिस्टर शाह अ बिग एलिफेंट स्टैंडिंग आउटसाइड एक बड़ा सा हाथी जो है वो बाहर खड़ा हुआ है he is scratching his back against the wall of the house वो क्या कर रहा है जो घर के बाहर वॉल है उसके ऊपर स्क्रैच कर रहा है जोर जोर से अपने आप को घसीट रहा है That is why the house is scratching. इसी वजह से जो घर है वो शेक कर रहा है इस शेकिंग वो हिल रहा है घर जो है हिल रहा है Mrs. Shah, what shall we do? Mrs. Shah कहते हैं हमें क्या करना चाहिए घर जो है पूरा हिल रहा है एलिफेंट हिला रहा है तो हमें क्या करना चाहिए Mr. Shah shouts out of the window. Mrs. Shah क्या करते हैं खिड़की में से चिल्लाते हैं ठीक है शू 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 Go away, but elephant goes on scratching his back. लेकिन elephant जो क्या करता है वो वहीं खड़ा रहता है और अपनी जो back होता है उसको हिलाता रहता है और वहां से नहीं जाता है अब शू शू करने से उसको कौन सी आवाज आ रही है मोना लेट्स
मेक सम नॉइस, बोला कहती है अगर हमें इस एलिफेंट को भगाना है तो हमें कुछ आवाज करनी पड़ेगी, कुछ नॉइस करनी पड़ेगी कि मैं गो अवे, देन तभी वो यहाँ से जाएगा। मोना ब्रिंग सम थालीज, मोना क्या करती है कुछ थालीज को, थाली होती है ना प्लेट उसको बोलते हैं, उसको लाती है फ्रॉम द किचन, अपनी किचन से। तो ये पिक्चर में भी बताया है किस तरह से वो थाली को बजाना स्टार्ट कर रहे हैं। मोना लेट्स मेक सम नॉइस, चलो कुछ नॉइस करते हैं, कुछ शोर मचाते हैं, ही मे गो अवे देन तभी वो यहाँ से चला जाएगा। मोना ब्रिंग सम थाली फ्रॉम द किचन, मोना लेट्स बिगन दिस थालीज टुगेदर, हम एक साथ इन थाली को बजाते हैं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, व्हाट अ नॉइस, जब वो थाली बजाना स्टार्ट करते हैं क्या आवाज आती है, खन क्लैंक क्लैंक करके आवाज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर शाह, नाउ द हाउस इज नॉट शेकिंग, मिस्टर शाह कहते हैं अब तो घर जो है वो हिल नहीं रहा है, शेक नहीं कर रहा है। मोना लुक आउट ऑफ द विंडो, मोना क्या करती है विंडो से बाहर देखती है। द एलिफेंट इज गोइंग, जो हाथी होता है वहां से चला गया होता है। इट इज वेविंग इट्स ट्रंक, क्या कर रहा होता है अपनी सूंड को, ट्रंक को ऐसे से करके हिला रहा होता है। एंड शेकिंग इट्स ईयर्स, अपने कानों को ऐसे से करके हिला रहा है, वो क्या कर रहा है अपनी जो ट्रंक है अब उसको वेव कर रहा है ऐसे से करके और अपने कानों को शेक कर रहा है। शेक क्या होता है हिलाना ऐसे करके, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस शाह वेल डन मोना, मिस्टर और मिसेस शाह जो उनके मम्मी पापा हैं वो बोलते हैं वेल डन मोना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यू सेव द हाउस फ्रॉम फॉलिंग, तुमने घर को गिरने से बचा दिया है। मोना लेट्स गो बैक टू स्लीप नाउ, अब मोना कहती है ठीक है अच्छा है चलो हम लोग दोबारा सोने के लिए चलते हैं, ठीक है। इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए हमें उसका सलूशन निकालना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम से हमें दूर भागना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू डू योर वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप उसको कैसे सोल्यूशन आउट निकालेंगे, ठीक है, वो भी 3-4 लाइन्स में लिख के अपना होमवर्क सेंड करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।